हेलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पहला ही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम देखेंगे क्या क्या है। देखिएगा बच्चों, इधर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम नंबर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर एक वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, और नंबर दो हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। दो प्रकार के नंबर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम आयोटा से शो करते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं जिसको हम आयोटा से शो करते हैं, और आयोटा का स्क्वायर मान होता है इसका माइनस के वन। तो आई होगा यहां से अंडर रूट माइनस वन। तो हम यहां पर एक बात कह सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद वैल्यू निगेटिव में आए, उस नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इस संख्या को हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, और वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। क्लियर? तो काल्पनिक संख्याएं का मान रखना बस आपको याद, कि आई का मान होता है अंडर रूट माइनस के वन। अब देखते हैं जरा वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, रियल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि वो कैसी संख्याएं हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं। जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? अब नंबर लाइन क्या है, आप कहेंगे सर ये नंबर लाइन क्या है। आप एक बार नंबर लाइन देखिएगा। नंबर लाइन है, अगर हम यहां पर एक नंबर लिख देते हैं यहां पर जीरो, तो नंबर लाइन पर इधर जाएंगे तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन, डॉट डॉट डॉट, ये नंबर लाइन है। और यहां पर नंबर लाइन में किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में ना अनंत संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? अनंत। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो संख्याएं होंगी वो कैसी संख्याएं होंगी? अनंत। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। और अब कुछ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं नंबर सिस्टम के, कुछ नंबर के बारे में, कि सम संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, देखते हैं जरा। ये देखेंगे जातीय मान क्या होते हैं। जातीय मान वह, यह वह संख्या है जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है वही नंबर कहलाएगा उसका जातीय मान। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिखाया इसको, 23576 में पांच का जातीय मान। अब ये पांच का जातीय मान मैंने कहा वही नंबर होगा, कौन होगा जातीय मान? पांच ही होगा। और इसमें सात का, किसका? सात का जातीय मान भी कितना होगा? सात ही होगा। क्या होगा? सात। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, आप देखेंगे जरा, जैसे मैंने कहा 68, 52 और 31, मैं कहना चाह रहा हूं इस वाले संख्या में आठ का जातीय मान क्या है? आठ का जातीय मान बहुत ही सिंपल है, आठ का जातीय मान वही होगा जो नंबर है सेम, यही कितना होगा? आठ। जातीय मान का मतलब है जिसका जातीय मान पूछा समझो वही है उसका मान। ठीक है, उसने लिखा है कि जिसका जातीय मान पूछा गया है वही नंबर होगा। इसमें पांच का जातीय मान पांच, दो का जातीय मान दो, तीन का जातीय मान तीन, एक का जातीय मान एक, और छह का जातीय मान छह, और आठ का जातीय मान आठ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा एक और इसका स्थानीय मान। अब ये कह रहा है स्थानीय मान, किसी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्येक संख्या का मूल्य उसके दाएं तरफ की जगहों पर,
10 की पावर n गुना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल से आप समझेंगे, फिर उसके बाद इस एग्जांपल को देखेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने ये कहा कि मैंने लिखा 72, 54 और 3, मैंने कहा इसमें 2 का स्थानमान बताओ। आप ये बताओ 2 का स्थानमान, ये 2 को यहीं लिख देंगे, कहेंगे सर बिल्कुल लिख देंगे यहीं पर। अब इस 2 के आगे कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा देंगे, तो ये इसका बन जाएगा स्थानमान। ये भी बहुत आसान है, स्थानमान, जिसका स्थानमान पूछा उस नंबर को लिखेंगे, उसके राइट हैंड में कितने जीरो हैं उतने जीरो लगा देंगे। क्लियर? ठीक है। देखो इसमें उसने कहा 23,576 में 5 का स्थानमान बताओ। अब देखना जरा, 5 ये रहा, इस 5 के आगे कितने हैं अंक, सर 2 अंक है तो कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो लगाने हैं, तो 5 का स्थानमान ये हो जाएगा। अब उसने कहा 3 का स्थानमान बताओ। अब 3 का स्थानमान बताने के लिए क्या कहना अपनों को, 3 लिख देंगे यहां पर, लिख देंगे 3, 3 के आगे कितने अंक हैं, सर 3 के आगे हैं 3 अंक, तो कितने और जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा 3 का स्थानमान जो आपको दिया हुआ था। क्लियर? स्थानमान आप जाने, जातीयमान आप जाने, जातीयमान जिस नंबर का पूछा है वही होगा, स्थानमान जिस नंबर का पूछा है उस नंबर को लिख देंगे, उसके आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा देंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी धनात्मक गणना संख्याएं, जीरो इसमें शामिल नहीं है, नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है, बाकी के सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर है धनात्मक संख्या है वो सारी की सारी होंगी। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 5, 6, 7 अनंत तक। अब उसने कहा पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होगा और पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल हो जाएगा। अब देख लेंगे जरा, जीरो पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा शामिल, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो जीरो है ना ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसकी खोज की थी 500 ईसा पूर्व के समथिंग में आर्यभट्ट ने, तो इस वजह से ये पूर्ण संख्या में आएगा क्योंकि ये जीरो की खोज की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब इसका मतलब यह है, हमको बताना है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा। जैसे एक नंबर लाइन मैंने आपको समझाई थी, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हम लिख देंगे ये जीरो, जीरो से आगे जाएंगे तो प्लस के 1 और ये प्लस के 2 और ये प्लस के 3। अब इधर जितना भी राइट में जाएंगे वो सारे के सारे प्लस में आएंगे। अगर हम इधर देखेंगे तो -1 और ये -2 और ये -3। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे और जीरो भी होगा। पॉजिटिव नंबर होंगे, निगेटिव नंबर होंगे और इसमें कौन शामिल होगा, जीरो भी शामिल होगा और ये कहलाएंगे क्या, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट, अब यह है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से ना कटे। देखो सम संख्याएं के लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और ये 2 से क्या हो जाएंगी, पूर्णतः कट जाएंगी, ये सम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, 11, आप ये भी कह सकते हो जो 2 से ना कटे समझ लो विषम संख्या है, 2 से कट जाए वो सम संख्याएं हैं। देखो 2 से डिवाइड होगी कैसी संख्याएं, सम संख्याएं, 2 से डिवाइड नहीं होंगी कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। परिमेय संख्याएं, वह संख्या जिसका सटीक मान निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही वह किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पीवाई क्यू की फॉर्म में। परिमेय संख्या वो को लाएंगी जिन नंबर को हम पीवाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, पीवाई क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को लिख देंगे वो कैसा नंबर कहलाएगा, वो कहलाएगा परिमेय नंबर। अब देखेंगे जैसे 3/4, 4/5 और 9/-5 और 22/7, ये सारे के सारे नंबर है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, पाई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे सर पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, हमने 22/7 मान जो है पाई का मान आया समथिंग में, इसलिए पाई कैसा नंबर है याद रखना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अब इस परिमेय संख्या को निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, पेपर में आया हुआ, देखना एसएससी में एक क्वेश्चन। उसने बोला दो व तीन के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी परिमेय नंबर्स हैं। तो ऑप्शन था एक, ऑप्शन नंबर दो चार, ऑप्शन नंबर तीन दो, ऑप्शन नंबर चार है अनंत, अनंत। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे बताएंगे, पहले परिमेय संख्या को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप कहीं नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, देखना परिमेय संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या है, परिमेय नंबर्स का ये है ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस वन, ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस वन। और ये जो यहां पर के है ना, इस के का मान एक दो तीन चार पांच डॉट 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 हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो आप इस क्वेश्चन में रख के देखेंगे, अगर हम यहां पर रखेंगे परिमेय संख्या का मान निकालेंगे, अगर हम परिमेय संख्या को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस वन। आप बताओ जरा मुझे, ए का मान कितना दो, के का मान हम यहां पर एक रख रहे हैं, और बी का मान कितना तीन, और डिवाइडेड बाई कितना के वन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा पांच बटे दो। यहां पर के का मान कितना है एक है, के का मान एक है, अगर हम के का मान यहां पर दो रखेंगे, के का मान अगर हम यहां पर दो रखेंगे, दो गुणा दो प्लस तीन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा सात बटे तीन। फिर हम के का मान तीन रखेंगे, दो गुणा तीन प्लस तीन डिवाइडेड बाई तीन प्लस वन, तो ये जाएगा तीन दूनी छः और तीन नौ बटे चार। मतलब के का मान जितना हम बदलते रहेंगे मान उतने ही निकलते रहेंगे, के का मान हम अनंत तक जितने रखेंगे तो ये मान लो परिमेय संख्या उतनी निकलेंगी। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा जो नंबर आएंगे वो अनंत आएंगे, ये बात ध्यान रखना। आपको फॉर्मूला लगा के इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो, अगर कभी भी बोला उसने दो या तीन के बीच परिमेय संख्या कितनी होंगी तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए, क्या सर अनंत होंगी, बात खत्म। जैसे मैं कह दूं पांच और छह के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, आप क्या बताएंगे सर पांच और छह के बीच में परिमेय संख्या है अनंत, छह सात के बीच में अनंत, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितने भी नंबर होंगे सब अनंत है। क्यों? क्योंकि के का मान चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होती रहेंगी। क्लियर? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिसको पीवाई क्यू की फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, जिसको पीवाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या है सर? अपरिमेय संख्या है पाई, ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर कहलाएंगे अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए, अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? उसने ये पूछ दिया आपसे कि दो व तीन, दो व तीन के, दो व तीन के बीच अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो आप कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट के अंदर ए बी होगा। जैसे दो और तीन के बीच में दो तिया छह, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए बी, ये निकलेगा अपरिमेय संख्या। क्लियर ना? ठीक है, देखते हैं जरा नेक्स्ट। अब है अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन से नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या है, वह संख्या जिसके, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, मतलब ना तो दो से ज्यादा और ना ही दो से कम, मतलब ना तो दो से ज्यादा हो सकते हैं और ना ही दो से कम, ऐसे नंबर जिनके ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड हो, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम, कैसे नंबर कहलाएंगे?
भाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हम देखेंगे जरा। अच्छा, अभाज्य संख्याओं को अगर हम ज्ञात करें, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं एक अभाज्य संख्याएं है? नहीं सर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है दो। दो अभाज्य संख्या है, फिर तीन है, फिर पांच है, फिर सात है, फिर ग्यारह है, डॉट 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 सो तक। ये मैं नंबर बता देता हूं, अभाज्य संख्याएं एक से पच्चीस तक कितने होते हैं, एक से पचास तक कितने होते हैं, एक से पिछहत्तर तक और एक से सौ तक। ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं एक से लेकर सौ तक आप लिखकर देख लेना। ऐसी अभाज्य संख्या होंगी जो खुद से कटती हों और एक से कटती हों, इससे ज्यादा किसी नंबर से नहीं कटेंगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दो ही गुणनखंड होंगे। अच्छा, ये जो एक है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि सर इसका ये किसी भी वैल्यू से नहीं कटती, इसका एक ही फैक्टर है, इस वजह से ये अभाज्य में नहीं आएगी। अभाज्य की प्रॉपर्टी कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, ना दो से ज्यादा और ना दो से कम। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं, हम अभाज्य संख्याएं देखेंगे एक से पचास तक कितनी होती है। अभाज्य संख्याएं एक संख्या जो एक और स्वयं से भाज्य हो, केवल दो सम अभाज्य संख्या है, मतलब दो एक सबसे छोटा ऐसा अभाज्य नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है एकमात्र। दो तीन पांच सात ग्यारह, ये है नोट। अब देखो एक से पचास के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है, पंद्रह। एक से सौ के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है सर, पच्चीस है। एक से पांच सौ के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है सर, 95 है। और एक से एक हजार, एक से पांच सौ के बीच में 95 है। एक से एक हजार के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 168 है। एक से सौ के बीच में इतनी, ठीक है। अब मैं इसमें ना एक से सौ तक का और बता देता हूं आपको ज्ञात करने के लिए। एक से पच्चीस तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, एक से पचास तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, एक से पिछहत्तर तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, और एक से सौ तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। एक से पचास होंगी नौ, एक से पच्चीस तक होंगी नौ, एक से पचास तक होंगी पंद्रह, एक से पिछहत्तर तक होंगी इक्कीस, और ये होंगी कितनी, पच्चीस। ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नंबर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि एक से अस्सी तक, एक से अस्सी तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, एक से अस्सी तक अभाज्य संख्याएं। तो आपको एक से अस्सी तक अभाज्य संख्याएं बतानी है, तो पहले आप एक से पिछहत्तर तक जाएंगे। एक से पिछहत्तर तक कितनी है, 21 है सर। कितनी है, 21। बस आपको वो दो नंबर या तीन नंबर जितने भी आएंगे अभाज्य संख्या के देखने हैं जो 75 से 80 के बीच में आए। 75 से 80 के 76 अभाज्य संख्या है, 76 अभाज्य संख्या है सर, नहीं है। 77 11 से कट जाएगा, नहीं है। 78 दो से कट जाएगा सर, नहीं है। 79 किसी से कटेगा सर, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब एक नंबर तो ये आया, इसका मतलब एक से लेकर 80 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 22। तो हम कैसे बताएंगे, 22। अगर एक से 90 तक की पूछे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक से 95 तक पूछे नहीं आएगी। आपको चार वैल्यू ध्यान रखनी है, क्या, नंबर एक, एक से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, एक से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, एक से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं, और एक से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती है। इसके आसपास कुछ भी हो, इन चार वैल्यू को याद रखेंगे, इसी से हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं आपको लिखवा दूंगा, अभी दो मिनट में इस स्लाइड को खत्म कर लेते हैं जितने भी है। देखो अगला, संयुक्त संख्या। यदि हम प्राकृत संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याओं को हटा दें तो जो कुछ शेष रह जाता है वह संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, अभाज्य संख्या आपने बता दी तो भाज्य संख्याएं बताओ। इसका मतलब जो कट जा रही हैं किसी ना किसी से वो भाज्य संख्या हो जाएंगी, जो किसी से नहीं कटती है अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये सारी दो भी कट जाती है, चार कट जाती है, छह आठ और ये नौ तीन से और ये बारह। अच्छा, सम विषम और भाज्य अभाज्य में अंतर है। सम विषम का मतलब है जो दो से कटे सम, जो दो से ना कटे विषम। लेकिन भाज्य अभाज्य में ऐसा नहीं है। भाज्य अभाज्य में मतलब भाज्य वो नंबर है जिसके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर हो, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनके ना दो से ज्यादा फैक्टर हो ना दो से कम, सिर्फ और सिर्फ दो हो। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं जरा नेक्स्ट। अब यह है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जब उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए। अगर एचसीएफ एक है तो समझ लो कैसी संख्याएं हैं, वो सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे एग्जांपल में हमने दिए हैं दो और तीन, दो और तीन का एचसीएफ कितना आएगा बोलिएगा आप,
एचसीएफ आएगा एक, 6 और 11 का एचसीएफ कितना आएगा एक। एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूं, 19 और आप 21 ले लो, 19 और 21 का भी कितना आएगा एक। तो इसका मतलब ये सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं, सहअभाज्य हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, देखो दो अभाज्य संख्याएं सदैव एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक हमेशा एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, दो ऐसे नंबर जो लगातार हों वो एक दूसरे के सहअभाज्य होंगे, क्योंकि उनका एचसीएफ एक ही आएगा। इस दुनिया के कोई भी लगातार दो नंबर आप लिख लेंगे, उनका एचसीएफ हमेशा एक आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। कोई भी दो अभाज्य, जैसे मैंने लिखा 21 और 22, इनका एचसीएफ कितना आएगा? सर एचसीएफ कितना आएगा? एक। अगर एचसीएफ एक आएगा तो ये किसको फॉलो करता है? ये इसको फॉलो करता है, इस वजह से ये भी कैसा नंबर है? सहअभाज्य है। तो एक बात नई सीखी है, क्या सीखी है? कोई भी दो लगातार नंबर इस दुनिया के कोई भी हो, वो क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य कहलाएंगे, क्योंकि उनका एचसीएफ कितना होता है? एक। क्लियर? ठीक है, देखते हैं जरा। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।